Winners deserve honor and power. Today, their move will be the game changer in the most crucial hour. Oh my god. उस समय मेरे को इतना पावरफुल फील हो रहा था. I was feeling so powerful, I can't even tell. मैं प्रतीक के पास सीधा गया and I was like, by any chance, अगर तुझे कोई एडवांटेज मिलती है तो वो तुझे मेरे फेवर में यूज करनी पड़ेगी. अगर आज माधव आउट होता है तो विशाखा होती है तेरे साथ और खुशी को तू ऐसे आउट कर देगा. मुझे कहता है माधव और खुशी को आज वोट आउट कर दियो. ऑब्वियसली ललित के साथ मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्यों डिस्कस करूंगा, मेरा कॉम्पिटिशन है. स्कूल वापस आने के बाद मेरी और माधव की एक कॉन्वर्सेशन हुई. जो करण सर ने बोला वो एज अ पनिशमेंट हमने लिया. ऐसे नहीं है कि ये मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है या मैं इसकी पीठ पीछे कर रहा हूँ. और विशाखा तेरे लिए भी बड़ा क्लियर है कि तेरा मेरा बॉन्ड है और रहेगा. बात ही खत्म. प्रतीक और विशाखा पहले से फ्रेंड्स थे, ये सुनकर मुझे शॉक लगा और कहीं ना कहीं बिट्रे भी फील हुआ. मुझे ऐसा नहीं लगता प्रतीक विशाखा से अट्रैक्टेड है या कुछ. यहाँ पे तो थ्रीसम बॉन्ड्स बने रखे हैं. अभी मेरे सामने विशाखा उसके गोद में ऐसे करके जाके बैठ जाती है. मुझे तो खैर बोलने भी नहीं आ रहा है. आज मेरा लास्ट डे हो नहीं हो स्कूल में, बट एटलीस्ट अगर मैं आज चली भी जाती हूँ ना, तो इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में सबको पता हो. तो हमेशा रोती हुई नहीं लिखना चाहती हूँ. कुछ नहीं, बैठ आराम से बैठ. अभी एग्जाम से आगे कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? एग्जाम से आगे कुछ होने वाली बात नहीं है. ये इतने दिन का गिल्ट अप है मेरे अंदर. यहाँ पे बॉन्ड बना दिखा रहा है मेरे साथ, बना रहा है मेरे साथ. विशाखा कभी वहाँ पे क्रोशती है, कभी कुछ इतने ज्यादा ये होते हैं, और उसके बाद माधव वहाँ पे सामने बैठा हुआ होता है. इतने डर्टी एनवायरमेंट या एटमोसफियर में मेरे लिए रहना इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. Welcome to MTV Love School Season 3. Welcome to your judgment night. Hamara scroll mila? Yes sir. Yes sir. Kya tha? Winners ke paas power hai kuch. Madhav, ek baat bata. Tere badi ke haath mein aaj power hai. Haan ji. Kya lagta hai? Mera bond to Vishakha ke saath hi hai. अगर समझता है तो भी ठीक है, नहीं समझता तो भी ठीक है. सर क्या आपको लगता है कि विशाखा के साथ खुश है? सर ऑब्वियसली वो खुश तो होगा सर. फिर वो आपके बॉन्ड की परवाह क्यों करेगा? सर क्योंकि उसने बोला था कि वो करता है पहले, इसलिए. फनी, आई सॉ प्रतीक एंड विशाखा वॉक इन होल्डिंग हैंड्स टुडे. How the tides change. Lalit, would you trust Prateek with your partner? No. Never. क्यों नहीं? मुझे लगता है ना इस गेम में आगे बढ़ने के लिए ना वो किसी का भी पार्टनर को यूज करके आगे बढ़ सकता है. माधव, do you trust Prateek? अब नहीं. सर ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ जो बाकी सब ने बोला उसके बेस पे उसका ट्रस्ट अगर मेरे ऊपर से खत्म हो गया तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के. Who doesn't trust Prateek? Put your hands up. I just have one thing to say. मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा गेम खेल रहा हूँ, इसका मतलब है. हाँ हाँ, और आग पास चले जा. लड़की मिल गई, कंपटीशन डेंजर जोन में खड़ा कर दिया. ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहा है. आई एम प्राउड ऑफ यू. आगे बढ़े. वोटिंग से पहले अनुषा और मैं किसी एक कपल को सेव करेंगे. So Divya Lalit, Darren and I, once again in this position, आप दोनों के साथ.
पिछली बार जब मैंने आप लोगों को बचाया था तब मुझे आपके बीच में कुछ दिखा, बट व्हेन इट कम्स टू योर बॉन्ड इट फेल्ड मिजरेबली, करेक्ट? यस सर। लेकिन अगर मैं दोबारा आपको करूंगा इट वोंट बी फेयर। आई एम सॉरी पर हम नहीं सेव करेंगे। साक्षी एंड मोहित, हमें ये दिखता है मोहित के दिन में एक अंडरस्टैंडिंग है दैट योर रिलेशनशिप हैज इंप्रूव्ड बीइंग हियर ऑन लव स्कूल एंड ही इज आल्सो शोन कि वो यहाँ रहना चाहता है। Absolutely, sir. And of course, we've never saved you. साक्षी एंड मोहित, अनुषा और मैं आपको आज की जजमेंट नाइट में सेव करते। Thank you so much, sir, ma'am. Welcome back to Love School. Madhav, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखाई। हो सकता है अगर आप यहाँ पे विशाखा के साथ खड़े होते तो हम आपको बचा लेते। इसीलिए मैं बोलता हूँ इतना सीधा होके भी मत चल। अब चल ही नहीं सकता सर। That's all. दिव्या, ललित, खुशी, माधव, आप लोग स्कूल से कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड बनाने आया था। मुझे यहाँ पे और कुछ बहुत कुछ सीखना है लेकिन सिर्फ दिव्या के साथ सीखना है, तो प्लीज 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 सेव अस। इतने ज्यादा आगे आ चुके तब जाके मेरा बॉन्ड बना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी इतनी जल्दी मेरा बॉन्ड मत तोड़ना प्लीज। खुशी, आप लोगों को अगर जो सच्चा इंसान है जो दिल से चलता है हमेशा कभी अपने दिमाग की नहीं सुनता है तो आई थिंक दैट यू गाइस शुड गिव अस अ चांस। माधव, जो मेरा बॉन्ड है वो उधर ही बैठा हुआ है, उसकी मजाक की वजह से मैं पिस रहा हूँ। आज रात के लिए तू राज मैं विकी। How dare you disrespect a girl like that? Swap places, please, right now, or get out of my show right now. हारा मैं हूँ आज, तो देख लेना अगर जो भी आपका डिसीजन होगा वोट आउट मत करना। प्रतीक, आप कुछ कहना चाहते थे जब माधव बात कर रहा था? सर मैं ये कहना चाहता हूँ माधव को कि जोक हम दोनों के बीच में था उसने भी उतना ही एंटरटेन किया था उस जोक को जितना मैंने किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पिसना चाहिए था और वो पिस रहा है, क्योंकि मैंने आज अपना 100% दिया और मैं यहाँ बैठा हूँ सर विशाखा के साथ। मेरे को लगता है कि कहीं कमी उसके परफॉर्मेंस में होगी तभी वो वहां पे खड़ा है, नहीं तो वो यहाँ होता और मैं वहां होता। बेसिकली तंग कौन था? जो ये जोक तेरे दिमाग में आया तू तंग था तभी बोला? वो मजाक था भाई। नहीं भाई मजाक था, मैंने भी मजाक किया, फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? सॉरी माधव, वो इतना मजाक नहीं उड़ाता जितना तू उड़ाता है, इस बात को याद रख, सो भी मत बोले सर। जिस वजह से तू खड़ा है ना आज उसी ने वो बात करी इसलिए तू वहां खड़ा है। बिल्कुल, अगर वो बात नहीं होती तो शायद हम साथ में परफॉर्म कर रहे होते। कर रहे होते, इस बात को याद रख। बता मैं, ठीक है? यहाँ पे साथ में परफॉर्म करने वाली बात फर्स्टली नहीं है, सेकंडली ओवर हियर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इससे तंग था। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों तंग था? एक बार अगर तू मेरी वजह से हारा या यहाँ पे खड़ा था तो तू दो बार मेरी वजह से बचा भी। जो बोला ना मैं मुंह पे बोलती हूँ, तेरी तरह ना कान में जाके खुसुर बुसुर नहीं करती। एग्जैक्टली, बिकॉज़ आई नो कि वो चीज, एग्जैक्टली बिकॉज़ आई नो कि मैं तेरे सामने नहीं बोल सकती हूँ, मेरे को भी टेक चलाना आता है, तो अपना मुंह बंद रख। नहीं रखूंगी, क्या करेगी बता? नहीं रखूंगी, मत बोल, मैं नहीं रखूंगी। बहुत टाइम से चुप बोल, मत बोल, यू नो व्हाट यू आर, मत बोल, नहीं जानती है वो, इसीलिए तो यहाँ पे आई है। खुशी प्लीज यार स्टॉप इट नाउ, कि हमारे बीच की बात है इतने तक रख, तू सबके सामने मत बोला कर। बोला था या नहीं विशाखा? He kept on continuing this and अगर वो सबके सामने मुझे disrespect करेगा I won't tolerate it।
एक्चुअली मैम खुशी आज भी रो रही थी रूम में आकर कि प्रतीक मेरे आगे ही मेरा मजाक उड़ाता है और सब लोग एंटरटेन हो रहे होते उस चीज। लिटरली जब मैं बैठा इन सबके साथ तो माधव ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मतलब बोलना चाहिए नहीं। एक्चुअली ही कम्स टू प्रतीक एंड टेल्स हिम कि खुशी okay exactly that too in a very ill mannered no, 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 no. I again, I do, I cannot again this is ridiculous sir agar tune wo line boli hoti na jo tune boli tere ko wahi rehta main kaise bol dega yaar kaise bol dega wo I feel really bad about it, ma'am. Yeah, maybe if you feel bad about it, then come respectfully and tell me later. There's women being talked about on the set. Do you not understand that? It is disgusting and I don't want it repeated in front of everybody. Come and say it in my ear. You think I won't deal with that? Exactly. Sir, ye main 3-4 din main jitna bardasht kar pa rahi thi, main kar rahi thi. But बाद में लास्ट टुडे आई वाज जस्ट नॉट एबल टू टेक इट, इसीलिए आज जब मैं डेंजर जोन में आई मैंने पर्सनली सबको जाके बोला दैट वोट मी आउट इट्स ओके आई वॉक आउट ग्रेसफुली बट मैं इतनी गंदी चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकती सर। आई एम वेरी सॉरी दैट दिस हैज बीन एक्सपोज्ड इन द मोस्ट इनकरेक्ट मैनर एंड आई विल डील विद इट। आई विल टेल यू द होल थिंग मैम, आई विल टेल यू द होल थिंग। प्लीज आई डोंट वांट टू हियर a word from your mouth right now, mother. You think you get angry? Boy, you don't know me. Really, it's just disgusting. Agarwal, can we have the cue cards, please? जिस एक लड़के या जिस एक लड़की को आप लव स्कूल से बाहर करना चाहते हैं उसका नाम आप इस क्यू कार्ड में लिखेंगे। दीपाली, आपसे शुरू करते हैं। So it's Madhav and Khushi. So it's Madhav and Khushi. तो मेरा वोट माधव और दिव्या को है। वोट इज फॉर माधव एंड खुशी ओनली। सर इट्स फॉर ललित एंड खुशी। माधव एंड खुशी। ऑलराइट, फेयर इनफ, मूविंग फॉरवर्ड। प्रतीक, इससे पहले कि आप और विशाखा हमें अपने वोट्स दिखाएं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके वोट्स का कोई फायदा नहीं, और सिर्फ आपके ही नहीं सबके वोट्स किसी काम के। विशाखा, प्रतीक, आप दोनों के हाथ में सोल पावर है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक कपल को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि लव स्कूल की हिस्ट्री में आज तक ऐसी पावर किसी को भी नहीं दी गई। अब जो भी आप दोनों यूनानिमसली डिसाइड करेंगे वही होगा। पॉइंट एलिमिनेटेड। ललित, दिव्या, कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास 2 या 3 बार एडवांटेज आया और मैं एक बार भी उसके अगेंस्ट नहीं गया हूं उसके लिए। So I want him to pay back today, to be very honest and to be very clear. Divya, हमारा बॉन्ड तुझे पता है अभी किस लेवल पे है, तो मैं सीरियसली चाहती हूँ कि तू हमें सेव करे। खुशी, मुंह पे बोल रही हूँ कि लिटरली आई विल बी अगेंस्ट बोथ ऑफ यू, दैट इज फॉर श्योर। आई एम नॉट बेगिंग टू सेव बोथ ऑफ अस। आज भी अगर परफॉर्म कर पाया बिकॉज मेरे चारों आंसर्स राइट थे, तेरे तीनों गलत थे, वरना आज तू यहां पे खड़ा होता। माधव, अगर तू मेरे को वोट आउट करता है तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि तेरा निशाना विशाखा ही था। विशाखा, प्रतीक, can we have your decision please? बहुत ही हैवी हार्ट के साथ
हम दोनों ने डिसाइड किया यूनानिमसली। मैंने सोच के किया। माधव और खुशी को एलिमिनेट करो। मेरे को पता है सर, वो मेरे को नहीं समझ पाएगा इस सिचुएशन में। बट अगर वो मेरी सिचुएशन में होता तो आई एम श्योर कि वो भी यही करता सर। माधव सर, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, एटलीस्ट विशाखा तो स्टैंड लेती जो स्टैंड के लिए मैं आया था। प्रतीक से एक्सपेक्टेड था? इनका बॉन्ड हमारे से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, शुरू से लेके अब तक है सर, तो इस वजह से किया होगा। विशाखा, मैंने गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बॉन्ड होता तो मैं सोचती उस चीज को कि बहुत ज्यादा क्लोज है, तो मैं उस चीज बारे में सोचती कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। मतलब शी इज बीइंग ऑनेस्ट कि भाई बॉन्ड नहीं, मैं अपना फ्यूचर देख। तो प्रतीक अब तेरी बारी है भाई। ओके सर, आई विल बी ऑनेस्ट। पहले तो मैं तेरे से माफी मांगूंगा इस बात के लिए, बट एक बात बोलना चाहूंगा भाई मैं। जिसकी किस्मत में जो लिखा है ना वही होता है। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से माधव बाहर जाएगा ना, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और उसको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि तू निकाल रहा है उसको। मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, भगवान के हाथ में जो है। प्रतीक अपना वोट दिखाना एक बार प्लीज माधव पे। सर माधव एंड खुशी ही है। क्या अभी भी भगवान है? You know, cut the crap, man. Literally, you're not growing up because you don't know how to do it. So right now is your opportunity. I'm going to teach you how. Turn around to your bhai and say, you know what, dude? I don't want you in the game. I want your woman, and that's it. I want to bond with her. Have the himmat to say that. Stand up, be a man, and say it. माधव भाई, जब से डे वन से विशाखा आई है तब से मेरा थोड़ा दिमाग में ये बात थी कि मेरे को विशाखा के साथ बॉन्ड करना है। मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि तेरी उससे बॉन्डिंग हो गई थी। अगर मैं बीच में घुसूंगा तो मैं गलत दिख जाऊंगा। लेकिन जो भी मेरे को मौका मिला, मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया भाई। तेरे में पहले हिम्मत थी ये चीज बोलने की? मैंने वो सिर्फ उस समय बोला नहीं इसलिए। क्यों नहीं बोला मेरे को वो तो बता। वो भी मेरे एक गेम का पार्ट था। सुन लिया? अच्छी बात है सर, फिर सच्चाई कर दी। मैं तेरे को क्लियर करना चाहता हूँ कि वो सब मेरे गेम का पार्ट था और ये हुआ और ये हुआ। तू भी यहां से चलता है, मैं भी यहां से चलता हूँ, लेकिन तू यहां से नहीं चलता। चलना ही नहीं यहां से। मेरे को जीतने से मतलब नहीं है भाई। मैं फेक बन के क्यों जीतूं? मेरे को जीतने से मतलब है और मैं जीतने आया हूं और मैं जीतने के लिए कुछ भी करूंगा और मैंने वो आज किया। दिख गया भाई, दिख गया। That's it. Madhav, I hope you've understood. Yes, very clearly. Right now, all I want to say is, Divya, Lalit, आप दोनों सेफ हैं। Welcome back. खुशी, Madhav, last thing you want to say to the house before leaving? मुझे भले यहाँ पे मेरा love of my life नहीं मिला। रही बात प्रतीक की, ही इज अ वेरी सेल्फिश मैन एंड ट्रस्ट मी, कर्मा कम्स बैक, इट विल कम बैक। माधव, प्रतीक को कहना चाहता हूँ, जो भी था तेरे से दिल से था विशाखा, जो भी था तेरे साथ दिल से था। जीत के लिए करना है तो सुबह जीत जाओ मेरी तरफ से। अभी भी अगर आपको इन घर में से किसी को चुनना होगा तो आप अब भी विशाखा को चुनेंगे? विशाखा को चुनूंगा सर, और मेरे को एक मौका मिल जाए फाइट करने, मैं बता दूंगा इसको कि कैसे छीन के लेके जाते हैं। ऑलराइट गाइस, खुशी, माधव, लव स्कूल सीजन 3 की आपकी जर्नी यहाँ पर खत्म हो गई। क्या आप लोगों ने रियलाइज किया कुछ? 1, 2, 3, 4, 5, नॉट जस्ट 5, टॉप 5। कांग्रेचुलेशंस गाइस। See you guys. Have a great night. See you soon, guys. सुबह हम लोग उठे जजमेंट नाइट के बाद
माधव और खुशी जा चुके थे टॉप 5 में थे मैं और विशाखा तो स्क्रॉल आता है चीजी सरप्राइज कमिंग योर वे हम पूल साइड एरिया पे जाते हैं सब बैठ के वहां पे मस्ती कर रहे हैं पिज्जा खा रहे हैं दिस चीज बर्स्ट पिज्जा इज सो यम्मी एंड चीजी जस्ट ट्राई दिस वन Hi guys. No people. We are back. हम क्या गए इतनी पार्टी बन रही है तेरे जाने की खुशी में मेरे जाने की खुशी में जाने की खुशी में ये अविरल पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे को लगता है मेरा इस वो गोबर में नहला के फुल बेइज्जती करके स्कूल से निकाला था और ये वापस आ गया माधव किसने निकाला तुझे भाई प्रतीक ने ओहो आ गया ये क्या कर गया माधव जिसको प्रतीक ने ऐसे निकाला था मैं कहा भाई माधव अब तू मेरे साइड है अब टाइम है कि दिखाने का कि प्रतीक की औकात क्या है एक्चुअली दुश्मन अपने साथ हो जाए ना पाप वैसे ही बन जाता है मेरी बात सुन मैं ऐसे दे रहा हूँ सुन निकाल के दिखा दूँ भाई समझ तुझे भाई समझ लड़ने की बात समझ तुझे तू निकला बेटा भाई आज मैं आउट हो गई ना जैसे पहले दिन आमना सामना हुआ था ना बहुत उछल रहा था ये बोलते हुए कि पत्थर को हटा देंगे तो इसको बताया था कि पहाड़ है कौन तो ऐसे ही वो दूसरा मौका था इसको बताने का कि तेरा साले बाप है कौन इस गेम में विरल आया है इसको तो मैं भेजूंगा वापस अब रही बात माधव की ये मेरा गेम था अगर तेरे को मंजूर है तो ठीक है नहीं मंजूर तो तू मेरे साथ लड़ ले अगर तू उसकी बातों में है ना उसकी बातों की मैं तुम्हें फोड़ दूंगा फिर तुम्हें मुंह पे यार फोड़ लगा दूंगा हाथ मत लगाइए सुनो भाई पीछे के यू रियलाइज दे ओ दे ओ दे मेरा लड़की का रुक जा बैठ जा सर सर फेल का मेनी हैव ट्राइड मेनी हैव फेल्ड लेट अनदर वन कम भाई सुन जहां से तू खत्म होता है ना वहां से मैं शुरू होता हूँ मुझे इस बंदे की शक्ल निकालनी है इसके शरीर से भाई मुझे छोड़ना आउट किया तेरे को आउट किया ये मेरी आउट किया तेरे को आउट किया आउट किया तेरे को बीच में आया तू यहां पे बीच में इट्स जस्ट वाटर बड़ी हां ये ले तू इस पे जो पानी फेंक रहा है मैंने ऐसे करा मैंने कहा आई एम बैक ब्रो आई एम बैक अभी रुक जा वहीं पे सबको याद रहेगा कि इसने मेरे से कितनी पिटाई खाई है इसको अभी तक नहीं रियलाइज हुआ कि इसका बाप कौन है अब तुम्हारा बाप वापस आ गया है और इस बार तो मैं जाने नहीं वाला मैं और ललित ऊपर पहुंचे ही अपने रूम में इतनी देर में खुशी आ जाती है खुशी ने आके शुरू कर दी अपनी बकवास कि तूने ये किया माधव ने तेरे को सपोर्ट किया तूने उसको निकाल दिया तू एहसान फरामोश है Stop playing dirty, that's what I'm saying. अगर मेरे को dirty खेलना पड़ेगा तो आगे चलेगा एक लड़की के वजह से जिसने माधव को आज यूज किया आज तुझे यूज कर रही है तू उसकी वजह से सबसे लड़ाई कर रहा है यू आर प्लेइंग डर्टी गेम्स मेरे को ना तेरे से एहसान चाहिए ना तेरे से भीख चाहिए लेकिन तू तेरे मुंह पे बोल के जा रही हूँ मैं देखो तुम्हारी परवाह नहीं है क्योंकि मेरा इंडिविजुअल गेम ये है और मेरे को यही करना था मैंने सोचा कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें शुरू हुई क्यों ना वहां पे जाके मैं उससे बात करूं मैं सीधा गई विशाखा के रूम में टू कन्फ्रंट विद हर नाउ हु डू यू फील फॉर हिम और हिम अरे का माधव के साथ मेरे को भी परफॉर्म करना है नहीं मेरे को प्रतीक के साथ करना है तो माधव के साथ कर सकती है तो लेकिन परफॉर्म आप उसी के साथ करोगे ना जिसके साथ आपका बॉन्ड है It doesn't mean तेरा कोई बॉन्ड नहीं था तभी तो परफॉर्म कर रही थी उसका कोई बॉन्ड नहीं था वो भी परफॉर्म कर रहा था तुझे क्या हो रहा है मे बी उसके हार्ट में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए प्रतीक के लिए आई डोंट नो जो मुझे लगा मैंने बोल कैसे बोल दिया यार तूने कैसे बोल दिया क्यों नहीं मेरी मर्जी है बोलूंगी कैसे बोलेगी यार तू मैं पहले नहीं बोलती ना मेरे नहीं मन किया मैंने बोलने का सीधी सी बात है मेरे को क्या खेलना था सीधा बोला अमीर बंदे के साथ यारी लगानी है गरीब के साथ नहीं लगानी यस यस उस टाइम मुझे लगा कि भाई मेरे को कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है ठीक है तुझे जो लगता है तू कर और यहाँ से जा दफा
bonds that have come back. Challenge whoever you made to win, because today is your second and last chance at love. किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं जो हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री था, लेकिन चैलेंज एनीवन इन द लव स्कूल टू गेट बैक इन द शो। जस्टिफाई पता है क्या करता है? तू ललित के अगेंस्ट में इसको भिड़ने दे प्रतीक, प्रतीक के अगेंस्ट। इसकी जो एनर्जी आएगी ना भी प्रतीक के अगेंस्ट, वो तेरी नहीं आ पाएगी जो अभी इसकी है। माधव के लिए मुझे लग रहा था कि माधव माइट चैलेंज मी, क्योंकि माधव से मेरा बहुत फ्रिक्शन चल रहा था उस वक्त। ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि वो मुझे चैलेंज करे, बिकॉज कहीं ना कहीं अविरल और क्रिस्टीना जिस जोश में वापस आए थे उसे बीट करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। मैं फुल ऑन रेडी था कि अविरल मुझे चैलेंज करे। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, इसको जहां से आए ना दिल्ली से वापस वहीं पे भेजो। मेरे दिमाग में सब टारगेट थे, मोहित साक्षी भी, उज्जवल अदिति भी, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे शो में आना था। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि माधव जो है वो मुझे ही चैलेंज करेगा, और अविरल का कुछ पता नहीं था क्योंकि वो सांप है, वो किसी भी बिल में घुस जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं। जैसे ही लोकेशन देखा आई वाज लाइक ये तो मेरा फोर्टे है, फुल स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क लग रहा था। टायर्स पड़े थे, लॉक्स पड़े थे, सैंडबैग्स पड़े थे, मैं कहा यस स्ट्रेंथ बेस्ड। वेलकम बैक क्रिस्टीना, अविरल, खुशी, माधव। आई लाइक यू टू मीट आवर Top 5 couples of MTV Love School Season 3. Aviral! Christina, how does it feel to be back? You can wound a lion, but you can't throw him out of his own jungle. कोई भी टास्क मिल जाए, आज अपनी जिंदगी भी देने पड़ जाए ना वापस आने के लिए, खुदा मेरा मंजूर है, मैं रेडी था। शाका का है प्रतीक, स्लिप हो गई वो स्टेयर्स से तो उसकी बैक में चोट लग गई है, फिर से उठा भी नहीं जा रहा है। थोड़ा सा क्रॉस कर प्रतीक, थोड़ा सा उस तरफ क्रॉस हो जा। ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगी। उससे उठा भी नहीं जा रहा, तो मैंने उसको बोला था कि तेरे को आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा जो करूंगा आज अपने बॉन्ड के लिए। God, this show just gets more interesting each day. आज होगा MTV Love School Season 3 का चैलेंजर बैटल, जहां पर ये दो कपल्स चैलेंज करेंगे टॉप 5 कपल्स में से किसी भी दो कपल्स को टू विन अ प्लेस बैक इन द स्कूल। डे 1 से सर्वाइव किया सर यहाँ पे, और ऐसे नहीं किया हवा में। मैं फुल ऑन रेडी था कि अविरल मुझे चैलेंज करे। गाइस आपकी इंटेंसिटी किसी काम नहीं आ रही, क्या हुआ? जो बादल गरजते हो बरसते नहीं है। हम बरसे भी हैं और हम गरजे भी हैं। अबे तेरे तो पड़ गई थी सुबह आते ही। छू भी नहीं सकता, पता है तुझे? पता ही है हर बार तेरे को छुआ है, हर बार तेरी पैंट उतरी है। अबे ये करना, छूना नहीं होता। अरे बेटा खड़े रह। हद से ज्यादा गुस्सा था प्रतीक का, तो फिर मैं कहीं भी दे देता, उसे पता भी नहीं चलता, उठता हुआ अगले लव स्कूल सीजन 4 में। माधव कितना इम्पोर्टेंट है आज वापस आना तुम्हारे लिए? अपनी जान से भी ऊपर सर। क्यों? इसको बताना है। क्या? कि तूने पंगा लिया किसके साथ? चाहे मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, गड़ जाऊं, पर इस बंदे को हरा के ही सांस मेरे को लेनी है। अब वो जो भी कर सकता करके दिखा दे, मैं यहीं पे खड़ा हूं। आज के हमारे चैलेंज का नाम है रेस ऑफ हार्ट्स। अगर आप दोनों में से कोई जीता तो आपकी पोजीशन लव स्कूल में वापस सिक्योर हो जाएगी, और जो हार गया स्ट्रेट टू द डेंजर जोन इन द नेक्स्ट जजमेंट नाइट। क्रिस्टीना एंड अविरल, किसको हरा के उसकी पोजीशन छीनना चाहे? Honestly, मैं ये चाहता था कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि अविरल मेरे को चैलेंज कर दे। एक बार मैं उसे यहां से निकाल चुका हूं, और दूसरी बार उसका ऐसा चमाड़ मार के यहां से निकालूंगा मैं। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अविरल से मेरा है ठीक ठाक, तो अविरल तो मुझे चैलेंज नहीं करेगा। सारे एस्पेक्ट्स मद्देनजर रखते हुए, एवरीथिंग कंसिडर्ड, आई वांट टू चैलेंज उज्जवल अदिति। मुझे यार आगे आगे जाएगा, मेरे को समझ नहीं आया कि एक सेकंड के लिए इसने बोला क्या जब उसने मेरा नाम लिया। मुझे लगा या तो ललित का लेगा या तो प्रतीक का लेगा। हमारा प्लान यही था कि हम ऐसे किसी को टारगेट करें जो वीक हो। मैंने कहा चलो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, सॉरी उज्जवल, बट दिस इज हाउ द गेम इज गोना बी। वो इतना फट्टू आदमी है, इसको दिव्या, लक्ष्य, दीपाली या साक्षी, मोहित में से किसी एक को चूज करना चाहिए था।
आपने अदिति और उज्जवल को क्यों चूज किया? मुझे पिछले कुछ परफॉर्मेंस जितने मैंने देखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनका ग्राफ डिक्लाइन में गया। तूने ठीक से देखे नहीं शायद, अभी आज दिखाऊंगा तेरे को। मैं जो शो जीतना है, मैं क्यों दोस्ती आ रही तो मैं कभी भी निभा सकता हूँ। दोस्त दोस्त बोलते बोलते पीठ में खंजर घोंप दिया उसने एकदम से। बस इतना मन करा था कि कुछ उठा के फेंक दू, उसका मुंह तोड़ दू। फालतू लोगों को चैलेंज किया, अगर तेरी इतना दम है ना तो हमको चैलेंज कर। माधव, आप किसको हरा के उसकी पोजीशन छीनना चाहते? इस धोखेबाज को सर। धोखेबाज मत बोल भाई। कर ले कोशिश। प्रतीक ठीक है, कपड़े क्यों फोड़ रहे हैं? आजा। मैं किसी के बाप की यहाँ पे सुनने नहीं आया हूँ। आई एम नॉट हेयर टू टेक एनी वन। अगर कोई मेरी टी शर्ट फाड़ रहा है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई या मेरा कोई भी रिश्तेदार भी क्यों ना हो, मैं वो नहीं सुनूंगा। हो गया तुम दोनों का ऑल सेट? माधव, आप प्रतीक के साथ जाना चाहते, बट यू अंडरस्टैंड कि आज विशाखा यहाँ पर नहीं है। अगर आप प्रतीक के साथ जाना चाहते हैं, आपको डबल काम करना पड़ेगा। क्योंकि विशाखा वहां पे नहीं थी तो खुशी को भी परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा, और मैं और माधव ही लड़कियों का पार्ट भी करेंगे, और लड़के वाला पार्ट भी हम दोनों ही परफॉर्म करेंगे। खुशी, आर यू ओके विद दिस? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुझे अपना 200% देना था, बट स्टिल आई वॉन्ट हिम टू गो अगेंस्ट हिम, बिकॉज आई डोंट हेट एनीबडी ओवर हियर, बट आई हेट हिम। माधव, प्रतीक, आप दोनों हेड ऑन हेड जाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, और जिसका टाइम कम होगा वो ये बैटल जीत के। लेट्स हैव ऑल द चैलेंजर्स ऑन वन साइड। आज के हमारे चैलेंजर बैटल का नाम है रेस ऑफ हॉर्स। फर्स्ट स्टेज में उस तरफ कुछ टायर्स हैं, बॉयज को सिर्फ एक ही टायर फ्लिप करते हुए इस व्हाइट लाइन के इस पार लेके आना है, और लड़कियों को इस लाइन के इस पार। जिस वक्त आपके सारे टायर्स व्हाइट लाइन के इस पार हो जाएंगे, आप पहला हार्ट उस बोर्ड पे चिपका सकते हैं। लड़कियों, टोटल आपको 8 टायर लाइन के उस पार में, आपको वापस इस पार जाना है। लड़कियों को 15 लॉग्स, बॉयज को 1 लॉग लाइन के इस पार लेके आना है। द मोमेंट ऑल द लॉग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड, आप दूसरा हार्ट बोर्ड पे चिपका सकते। लेवल 3, इस बार 5 सैंड बैग्स लड़कियां और 10 सैंड बैग्स लड़के इस पार लेके आना है। अब बचा आखिरी तीसरा हार्ट। जब आपके सारे सैंड बैग्स वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो लड़के इन सैंड बैग्स को उस ड्रम में डाले। रिमेम्बर, 15 सैंड बैग्स से ही वो ड्रम नीचे आएगा। उस ड्रम पर से हार्ट निकालो, बोर्ड पे चिपका, बट इट्स अ टाइम बेस्ड। मैं कहा यस, फाइनली स्ट्रेंथ बेस्ड, एंड आई वाज सुपर बज, आई वाज सुपर एक्साइटेड। अदिति, उज्जवल, यस सर, आर यू रेडी? यस। कुछ भी मुझे हो जाए, चाहे मैं कैसे भी करूं, कितना ही दर्द हो जाए, मुझे पूरा का पूरा अपना 100% देना है, और वो असाइनमेंट मुझे कम से कम पूरा करना है, मुझे बीच में नहीं आ रहा। मुझे ये गारंटी पता था कि उज्जवल की आज, तो मैं चाहता था कि वो बंदा परफॉर्म करे और उस विरल को यहां से वापस निकाले। इन 3, 2, 1 गो। चल मोड़ दे उसको पंजारे। जो वो टायर फ्लिप करना था, उसके लिए हमारे को पूरा स्क्वाट मारना था, जिसके अंदर थाई का यूज था और लोअर बैक का यूज था, और मेरे दोनों ही गए हुए थे। उज्जवल, स्ट्रेट कर, स्ट्रेट, 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 सीधा। ओह, वेरी गुड। मैंने सोच लिया था आज जान लगा देनी है इसमें, क्योंकि अवरन ने हमें नहीं, हमारे प्यार को चैलेंज किया था। दोनों काफी लीनियंट लेने लगे एक बैटल को, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना पूरा स्टैमिना, अपनी एनर्जी लूज कर दी थी। उज्जवल का लॉक सीधा हो गया था, तो उसको सीधे लॉक को घसीटने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जैसे उज्जवल का टास्क शुरू हुआ, आई न्यू आई मेड द राइट डिसीजन। मैं यहाँ पे भरत मिलाप तो करने आया नहीं था,
उज्जवल से कुछ होना है नहीं, बुढ़ापा उसका आ गया, मर्दाना कमजोरी का शिकार है वो, घुटने उसके दोनों नकली हैं, ये टट्टी वापस स्कूल में आएगी और इसको गटर में वापस फेंक के आना पड़ेगा मेरे को ही। मुझे ऐसा लग रहा है उनका ग्राफ डिक्लाइन में गया। तूने ठीक से देखे नहीं शायद, अभी आज दिखाऊंगा तेरे को ठीक से। मुझे शो जीतना है, मैं क्यों दोस्ती आ रही तो मैं कभी भी निभा सकता हूँ। कुछ भी हो, कोई भी चैलेंज करे, मेरा दिल जब तक मुझे कह रहे कि मैं ये कर सकता हूँ तब तक मैं कंप्लीट करूंगा और सबसे कंप्लीट करूंगा। आज कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को हराऊंगा और गेम में वापस आऊंगा, बिकॉज आई डिजर्व इट। मुझे बस ये फर्क पड़ रहा था कि अगर गलती से हम लोग इस गेम में रह गए ना, चाहे कुछ भी हो, तो अविरल को नहीं माफ करूंगी मैं कभी। Oh my God, Christina Aviral, so much at stake here. We're gonna put our blood, we're gonna put our sweat, we're gonna put everything show में वापस अपनी जगह बनाने के लिए। It was time to prove our bond again, and nothing could stop us now, not even God. Go! मेरे दिमाग में यही था कि भाई अब शो में वापस आना, बैक टूट जाए, आज इसके बाद मैं कुबड़ा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फिर भी करूंगा टास्क। गिरने दे अपने आप, या कम ऑन क्रिस्टीना, इतनी जान कहां से आई, भाग 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 भाग। क्रिस्टीना तो मेरे सामने शुतुरमुर्ग की तरह भागती हुई चली गई थी। अविरल ने अब तक अपना पहला टायर नहीं पहुंचाया था, क्रिस्टीना दूसरे चार टायर लेने भाग गई थी। या आज तो ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीना ने ज्यादा चने खा लिए हैं, और ये साला जनाना इससे भागा नहीं जा रहा, इससे कुछ हो नहीं रहा साला। ठीक से स्क्वाट करे लेके गया वापसी में, फिर लॉग का यही था कि तेजी से भागते जा रहे हैं, पांदा लॉग एंड आई जस्ट स्प्रिंटेड। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी पतली सी लड़की जो खत्म है बिल्कुल ऑलमोस्ट, और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर देगी, और वो अविरल बंदा अपने आप को इतना तगड़ा है, ये वो है, बट मेरे को कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी। सैंडबैग देते हुए फर्स्ट में मैं जितने उठा सका, 6 के 6 मैंने बैग उठाया एंड आई जस्ट रैन। I was about to give up क्योंकि मैं बहुत busy feel कर रहा था, मुझे लग रहा था चक्कर खा के गिर जाऊंगा। I was like कि गिर जाए मर जाए यहाँ पे, वापस को हॉस्पिटल लेके जाओ, और एक कुछ भी करके ना स्कूल में वापस नहीं आना चाहिए। Don't miss me too much bro, बाहर जाके ज्यादा याद मत करना मेरे को। Look at his boss, bisexual dude. I'm like bro, I'm straight as तेरे गली का लौंडा नहीं हूं मैं, तेरे बात दूर रख, मेरा नाम समझ आई बात, ठीक है राइयो किसी और मत भी आज की बात छोड़, आउट किया तेरे को, आउट किया ये मेरी, आउट किया तेरे को, आउट किया है। तब मेरे मन में ये आया कि भाई अगर चक्कर खा के गिरना होता ना तो मैं अपने घर पे बैठे अपने रूम में भी गिर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं गिरूंगा। मैं अपना जीना दो जीना दशन बे 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 दशन बे। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरा शरीर चले जाए, मेरी जान चले जाए, मेरी जिंदगी चले जाए, टास्क तो मैं करके रहूं। भाग 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 भाग।
जब हम फाइनली पहुंचे हमने बैग्स जो स्टेयर्स के पास रखे थे ताकि हमें ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे। एक बारी इतने अच्छे से प्रूफ कर दिया। प्रूफ तो मैंने पहले भी करा था कि मैं वीक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अब मैं वापस आई हूँ तो और जान दिखानी थी और वहां पे मैंने दिखाया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये तो हम ही जीतेंगे। अब बारी थी क्लैश ऑफ द टाइटंस की, प्रतीक वर्सेस माधव की बारी थी। अब माधव, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हार गए तो खुशी का मौका भी खत्म हो जाता है। मैं फुल ऑन प्रतीक को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था प्रतीक जीते और वो माधव वापस स्कूल में ना आए। अभी तक भाईचारे में था लेकिन तेरे को और तेरे जैसे दस को मैं हरा के वापस स्कूल में आऊंगा और विशाखा के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करूंगा तेरी आंखों के सामने।